नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। भोपाल के डीसीपी रियाज इकबाल ने संभाला चार्ज। डीसीपी ने पहले ही दिन तय की अपनी प्राथमिकताएं, अपराध मुक्त सिटी बनाने पर जताई अपनी मंशा। मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान, कोरोना में केसों में हो रही बढ़ोतरी पर बोले सारंग, डरने की नहीं बल्कि एक बार फिर सतर्कता बरतने की है जरूरत। और इंदौर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया पुतला दहन, संत कालीचरण के पुतले को किया आग के हवाले, देश निकाला देने की कही बात। गुरुवार को भोपाल में डीसीपी रियाज इकबाल ने चार्ज संभाल लिया। चार्ज लेने के बाद डीसीपी रियाज इकबाल ने मीडिया को बताया कि ड्रग माफिया पर खास नजर रहेगी और महिला अपराध पर लगाम कसेंगे। बता दें कि डीसीपी ने पहले ही दिन प्राथमिकताएं तय करते हुए पुराने शहर के ट्रैफिक को दुरुस्त करने की भी बात कही। कोरोना के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि चिंता नहीं बल्कि सतर्कता बरतनी जरूरी है। सारंग ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कल 72 केस आए हैं। सारंग की अगर माने तो निश्चित रूप से कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सरकार पूरी तरह हर स्थिति पर निगाह बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि हमीदिया अस्पताल का दौरा किया गया है और सभी मेडिकल कॉलेज की समीक्षा भी कर ली गई है। यह सुनिश्चित किया गया है कि एक हफ्ते के अंदर सभी जगहों की प्लानिंग रिपोर्ट बनाएंगे। इंदौर और भोपाल में अधिक केस निकलने पर उन्होंने कहा कि इंदौर और भोपाल में ही केसों की बढ़ोतरी की शुरुआत होती है, इसके बाद संक्रमण फैलता है। इन दोनों महानगरों में व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। साथ ही नए साल के जश्न पर भीड़ जुटने की आशंका को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार का यही आग्रह है कि अपने और अपने परिवार की अगर जान बचानी है तो पूरी तरह से कोरोना वायरस का ध्यान रखें, जश्न से जितनी हो सके उतनी दूरी बरकरार रखें। पर हमारी पूरी तरह हर स्थिति पर निगाह है और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरह हम इस संक्रमण को ना फैलने दें। वैक्सीनेशन को लेकर हमने चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की है। अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 साल से 18 साल के बच्चों को जो वैक्सीन की सौगात दी है उसकी भी हमने तैयारी कर ली है। जो प्रिकॉशन डोज की तैयारी है वो भी हमने करी है। पर यह बात सही है कि केसेस में थोड़ी बढ़ोतरी हो रही है और उसके लिए हम सबको ये चिंता जरूर करनी पड़ेगी कि हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का जरूर ध्यान रखें, मास्क लगाएं। सर, ऑक्सीजन प्लांट को लेकर कुछ विशेष निर्देश है? देखिए, कल मैंने हमीदिया अस्पताल का दौरा भी किया था और सभी मेडिकल कॉलेज की हमने समीक्षा की और हमने ये सुनिश्चित किया है कि हम एक हफ्ते के अंदर सभी जगह की पूरी प्लानिंग रिपोर्ट बनाएंगे। मध्य प्रदेश में हम देखें तो लगभग 190 हमने ऑक्सीजन प्लांट जनरेशन प्लांट लगाए हैं, उनकी मॉक ड्रिल हम लगातार करवा रहे हैं और हमने ये भी कल सुनिश्चित किया है कि ऑक्सीजन प्लांट से जो ऑक्सीजन जनरेट हो रही है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें। ऑक्सीजन स्टोरेज को लेकर भी हमने सभी जगह व्यवस्थाएं बढ़ाई हैं। उसके साथ ही हमने कल एक निर्देश और दिया, भोपाल और शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में हम और बड़ी कैपेसिटी का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगा। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई थी, उस टिप्पणी से नाराज कांग्रेसी अब लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और नाराज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन भी किया है। इंदौर के चिमनबाग चौराहे पर संत कालीचरण का पुतला जलाया गया। कालीचरण पर देश विरोधी होने का मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की गई है। साथ ही ऐसे लोगों को देश से निकालने की भी बात कही गई। कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष ने कहा कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बापू का अपमान करते हैं उनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो भारतीय करेंसी है उसमें आखिर बापू की तस्वीर है तो क्या वे उस करेंसी को भी फेंकना चाहेंगे? कालीचरण ने महात्मा गांधी जी का जो अपमान किया है उस अपमान के एवज में हमारे आज युवक कांग्रेस के भाई आकाश निजामुद्दीन करके नेतृत्व में और सभी हमारे वरिष्ठ कांग्रेस जनों के नेतृत्व में कालीचरण का पुतला जलाया है। मैं आज पूछना चाहता हूँ आपकी चैनल के माध्यम से, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बापू का अपमान करते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ जो करेंसी है, जो नोट है उसमें भी बापू की तस्वीर है, क्या आप उस नोटों को आप फेंकना चाहेंगे? बापू का अपमान आज पूरा देश
देश का अपमान है, पूरा राष्ट्र का अपमान है। ऐसे महात्मा गांधी जी जिनके नोट पे फोटो छपा है, ये बार बार कहते हैं कि भाई आरएसएस देवता, जिस महात्मा गांधी जी को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूछते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी जो महात्मा गांधी जी की जयंती आती है उनको नमन करते हैं, ऐसे हमारे महात्मा गांधी का अपमान कांग्रेस और पूरा देश सहन नहीं करेगा। हम उसके खिलाफ आज यहाँ गिरफ्तारी भी हो गई है, काली चरण जी की गिरफ्तारी हो गई है, उन पर हर जगह मुकदमे दर्ज होना चाहिए, पूरे देश में मुकदमे दर्ज होना चाहिए। ऐसे पाखंडी लोगों को जो देश का और हमारे महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं, उसको हमारा देश कतई माफ़ नहीं करेगा, हमारे देश की जनता कतई माफ़ नहीं करेगी। हम पूरे कांग्रेस पार्टी के लोग, युवक कांग्रेस, पिछड़ा वर्ग, राहुल पिंका गांधी सेना, सभी लोग मिलकर आज यहाँ पूरे हमारे इंदौर शहर में और पूरे देश में पुतले जल रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ।